वेलकम टू इंडिया फर्स्ट न्यूज, मैं हूं अभिनय सोनी। तो सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। डीपी और फीडर सेपरेशन ना होने से किसान परेशान, लेकिन मंत्री थपथपा रहे हैं अपनी ही पीठ। मध्य प्रदेश है सरप्लस स्टेट का जुमला बरकरार। मध्य प्रदेश बिल्कुल सरप्लस लॉस है। करीबन आपने देखा होगा कि 17,500 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। मात्र 11,000 तक ही हमारी मेगावाट की छपन लोग काम में हो रही है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म का होगा और विस्तार। पर्यटन मंत्री ने इंडिया फर्स्ट से कहा, देश में बनाएंगे एमपी को नंबर वन। लगातार पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पर्यटन क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और देखा जाए तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या नाम बदलने से बदलेगी समाज की सोच? विधवाओं का नाम किया गया कल्याणी। सीएम शिवराज की इस पहल ने छेड़ी सामाजिक बहस। और निशक्त जनों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग केवल प्रारंभ नहीं किया बल्कि नीचे तक वो पहुंच गया और समाज ने उस वक्त उसको स्वीकार करा उसी भाव से जिस भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया। मंत्री कुंवर विजय शाह का दिल है कि मानता नहीं। आदिम जाति विभाग पर फिर मंत्री जी की नजर। कहा आदिवासियों की शिक्षा भी हो उनके विभाग में शामिल। प्रॉपर शिक्षा एक ही मंत्री का दायित्व होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा अलग है और वहाँ ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल डिपार्टमेंट शिक्षा की व्यवस्था करता है। इंदौर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष ने खोला भाजपा महापौर के खिलाफ मोर्चा। कहा मेयर नहीं करती है कुछ काम, कमिश्नर के भरोसे चल रहा इंदौर का नगर निगम। मध्य प्रदेश का बिजली विभाग फीटर सेपरेशन और खराब डीपी को सुधारने में नाकाम रहा है, लेकिन मंत्री जी है कि अपने विभाग की तारीफ करते नहीं थकते। अब सवाल था कि किसानों तक 24 घंटे बिजली कब पहुंचेगी, तो मंत्री जी का जुमला, मेरा मतलब है जवाब था, मध्य प्रदेश है सरप्लस स्टेट। आप भी सुनिए मंत्री जी ने इंडिया फर्स्ट से क्या कहा। मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली को लेकर काफी शिकायतें रहती है, लेकिन सरकार उन शिकायतों में कितनी गंभीर है इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री पारस चंद जैन जी। सर, क्या मध्य प्रदेश सरप्लस राज्य बन चुका है? मध्य प्रदेश बिल्कुल सरप्लस लॉस है। करीबन आपने देखा होगा कि 17,500 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। मात्र 11,000 तक ही हमारी मेगावाट की छपन लोग काम में हो रही है और जिसके साथ आज भी लोगों ने बहुत सारे प्रश्न लगाए थे, मैंने उनका भी जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि जब 24 घंटे बिजली देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सिंचाई के लिए 10 घंटे और इसके लिए घर के लिए 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है पूरी तरह। पहले तो आपने देखा होगा कांग्रेस शासन में दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट निकाला था कि 8 बजे बाद अपना कारोबार बंद कर लो और एक लट्टू जलाओ। यही प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं कि 24 घंटे और 10 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। दूसरे राज्यों को बिजली बेची जा रही है? नहीं, कुछ आदान प्रदान बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सरप्लस जरूर है लेकिन ऐसा बात नहीं कि अभी, लेकिन हमने कुछ टेंडर निकाले भी थे लेकिन कोई बाहर से खरीदने के लिए नहीं आया, ये बात भी नहीं। तो अगर कोई खरीदने नहीं आता तो क्या किसानों को 24 घंटे बिजली नहीं दी जाती? नहीं, 24 घंटे बिजली देने की आवश्यकता है क्योंकि पानी ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में, एक कुएं में यदि पानी है तो 10 घंटे से ज्यादा चलती नहीं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में किसानों को बिजली मिल रही है। धन्यवाद। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है और सरकार उनको लेकर हमेशा गंभीर रहती है। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये पंचलाइन तो आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन क्या वास्तव में मध्य प्रदेश टूरिस्टों को लुभाने में कामयाब हो पा रहा है? क्या राजस्थान और केरल को एमपी चुनौती दे पा रहा है? इंडिया फर्स्ट ने पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा से पूछे कुछ यही सीधे सवाल। मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से संभावनाएं अनंत है, लेकिन कुछ चिन्हित पर्यटन स्थलों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है एवं अन्य जो कई पर्यटन स्थल हैं वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा जी। सर, जिस तरह से पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश काफ़ी आगे रहा है और कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो विश्व में अपना नाम स्थापित किए हैं, तो सर किस तरह से पर्यटन को बढ़ाने की क्या योजना है आगामी? लगातार पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पर्यटन क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और देखा जाए तो
ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सीमित बजट के बाद भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र शासन से जो भी बजट है उसका प्रावधान करके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको पूरा किया है और आने वाले समय में लगभग जितने भी हमारे और काम चल रहे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। लगातार पर्यटन क्षेत्र में जो पर्यटकों की संख्या वो भी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस विभाग का ध्यान रखा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम चिन्हित करके जहाँ जहाँ अति आवश्यक रूप से डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हैं और वहाँ सुविधाएं अगर कम हैं तो उन सुविधाओं को विस्तार से कंप्लीट करने का काम करेंगे। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों का रुझान और बढ़ा है। सर, जिस तरह से पर्यटन स्थलों में खाने पीने की सामग्री हो या कोई अन्य सुविधा हो वो काफ़ी महंगी होती है, तो क्या आम इंसान को पर्यटन स्थल पर जाने का या घूमने का कोई हक नहीं है? इस विषय पर हम लोगों ने समय समय पर जानकारी ली है और जहाँ की हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत आती तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर रिजनेबल रेट में जो भी वस्तुएं बेची जा रही है उसको सही प्राइस पे बेची जाए। पर्यटन स्थलों में सुरक्षा को किस तरह से दृष्टिगत रखते हैं और कैसे सुरक्षा बढ़ाई जाए? सुरक्षा वैसे तो देखा जाए तो इंडिविजुअल पर्यटक को नहीं दे सकते, बट फिर भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है और पर्यटकों की दृष्टि से हम लोगों ने अलग से गृह विभाग से भी मदद ली है और इस पे विशेषकर हम ध्यान रखते हैं। तो पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा का कहना है कि जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ सुरक्षा दी जाती है और जो भी सामग्रियाँ हैं जो अधिक मूल्य पे बेची जाती हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाती है। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति बेहद खराब होती है। त्योहार या किसी भी खुशी के अवसर में उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब विधवा शब्द का नाम बदलकर कल्याणी कर दिया है। पहल अच्छी है, लेकिन क्या इससे समाज की सोच बदल पाएगी? शिवराज सरकार की इस पहल ने एक बड़ी सामाजिक बहस को भी छेड़ दिया है। निःशक्त जन के लिए जिस तरह से दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, उसी तरह महिला बाल विकास की एक पहल में मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी है। अब विधवा महिलाओं के लिए कल्याणी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस जी। मैडम, कब पहल की थी और कब घोषणा हुई? कल 1:30 बजे तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के मंच पर कि अगर देश में प्रधानमंत्री जी ने पहल करी और निशक्त जनों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग केवल प्रारंभ नहीं किया बल्कि नीचे तक वो पहुंच गया और समाज ने उस वक्त उसको स्वीकार करा उसी भाव से जिस भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया। हम ये इनिशिएटिव ले कि जो किसी ना किसी कारण से ईश्वर की योजना से परिस्थिति से बहने ग्रस्त जीवन में अकेली हो गई, अपने पति को उन्होंने खो दिया, उनके लिए हम शब्द प्रयोग विधवा का ना करें, उनके लिए कोई ऐसा शब्द प्रयोग करें जिसमें उन्हें अपने अंदर की जो गुण है, जो क्षमताएं हैं, जो मानव जीवन उनको पास उनका समय जो है उसका वह बेहतर उपयोग कर सके, अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, इस बात की कुंठा उनमें ना आए कि मैं अब जीवन में अकेली रह गई हूँ, क्योंकि जो अकेली रह गई है उसके ऊपर जवाबदारी और बढ़ गई है, उससे अपनी ताकत का एहसास हो, उसको ये लगे मैं अकेली नहीं हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। 1:30 बजे कहा मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने, घंटों भी नहीं लगाए इसमें और शाम को 7:30 बजे उन्होंने ये घोषणा कर दी एक चैनल के कार्यक्रम में कि अब से इस शब्द का प्रयोग मध्य प्रदेश में नहीं होगा और सारी योजनाओं में जहाँ शब्द प्रयोग होता है हम शब्द प्रयोग करेंगे कल्याणी, क्योंकि अब जो समय उस बहन के पास शेष है जब वो ग्रस्त के तौर पर अधूरी है वो अब समय लगाएगी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ जग का संसार का कल्याण करने में। सैकड़ों बहनों के दिल का भार मुख्यमंत्री जी ने हल्का कर दिया है। तो निश्चित तौर पर महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सैकड़ों महिलाओं का भार कम कर दिया और उन्हें मजबूती प्रदान की है। कैमरामैन अनवर के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। जाति विभाग के मंत्री रह चुके कुंवर विजय शाह का दिल बार बार इस विभाग की ओर खींचता रहा है।
मंत्री ज्ञान सिंह के सांसद बनने के बाद इस विभाग पर एक बार फिर मंत्री विजय शाह इशारों में अपना दावा ठोक रहे हैं। देखिए इंडिया फर्स्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में किस तरह मंत्री विजय शाह शिक्षा के जरिए आदिम जाति विभाग पर अपना नंबर लगाने पर जुटे हैं। आदिम जाति विभाग के स्कूलों को शिक्षा विभाग में शामिल करने की कवायद की जा रही है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह जी। सर, ये बात सामने आई है कि आदिम जाति के स्कूलों को स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाएगा। देखिए, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। सामान्यतः दूसरे प्रदेशों में शिक्षा विभाग एक ही मंत्री चलाता है, और भाजपा शासित और भी राज्य है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या झारखंड है, वहाँ पर शिक्षा एक ही मंत्री का दायित्व होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा अलग है, और वहाँ ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल डिपार्टमेंट शिक्षा की व्यवस्था करता है। बीच में मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि दोनों विभाग एक होना चाहिए, लेकिन इसके बाद अभी क्या चल रहा है मैं नहीं कह पाऊँगा। सर, आपके पार्टी के विधायक ने आप पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया, उस पर आपका क्या कहना? ये तो वही बता पाएंगे, मुझे कुछ नहीं कहना है। तो कुंवर विजय शाह ने साफ कर दिया है कि जिन विधायक ने हमारे ऊपर आरोप लगाए वही बता पाएंगे कि हम कौन से भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं, और उन्होंने आदिम जाति के स्कूलों को शिक्षा विभाग में शामिल करने की बात से सीधा इनकार किया है, और उन्होंने यह कहा है कि अन्य प्रदेशों में आदिम जाति के स्कूलों को भी शिक्षा विभाग ही संचालित करता है। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। इंदौर नगर निगम में महापौर के खिलाफ अब कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। निगम की नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर कुछ भी काम न कर पाने के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुकी, उन्होंने तो निगम के कमिश्नर को ही पर्दे के पीछे असली राजा करार दिया। देखिए इंदौर नगर निगम का ये घमासान। महापौर जी बिल्कुल बैक में है और आयुक्त महोदय को आगे कर रखा है, तो आयुक्त महोदय को ही सब चीजें उन्होंने पावर ऑफ हैंड कर रखा है, जो कि गलत है एक तरीके से, क्योंकि महापौर जी खुद मुखिया है, महापौर जी को अपने हैंड में लेकर और सारी चीजें देखना चाहिए। उनकी खुद की पार्टी में बहुत सारे बवाल हो चुके हैं, उनके खुद के पार्षद नाराज रहे हैं, जैसे महापौर जी का परिषद नहीं बुलाना, बजट लेट आना, और आप खुद देख सकते हैं कि बजट अब कंटिन्यू, परिषद अब कंटिन्यू हर दो माह में होने लग गई है। इसी तरह बाउंसरों की नियुक्ति इन्होंने कर ली थी, और अपने जन सुनवाई में आम जनता का के साथ जो बदतमीजियां और अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ होना, और हर चीज में आप देखें कि महापौर जी विफल जा रही है, महापौर जी का कार्यकाल विफल जा रहा है। कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे आम जनता को परेशान करना, कभी पशुओं के नाम पे पशुपालकों को परेशान करना, कभी फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर हाट ठेली गाड़ी को लेकर जब्त कर लेना, जबकि महापौर जी को चाहिए कि स्मार्ट सिटी बनाए। हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर स्मार्ट हो, हमारा शहर सुविधा वाला बने, परंतु हम लोगों को परेशान ज्यादा कर रहे हैं, ना कि हम उनको सुविधा दे रहे हैं, उनको हम बेघर कर रहे हैं। तो ये था दमदार खबरों का बिग बुलेटिन। जबरदस्त खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज के साथ। नमस्कार।